कईयों तो उन्होंने आख्यो सी बे गुस्ताख रसूल ने इन्हां दी तकरीर बरीफ करें दे ना कई सज्जन होंदे हो भी सज्जन है। अब्बा जी रहमतुल्ला अलैह ने तकरीर करनी होवे कबीर आला शहर दे अंदर एक सिराजुल उलूम मदरसा उत्थे चुके दूसरे मारका दा बहुत बड़ा इंज समझो गद्दी चलदी पई है उत्थे उन्हां दा प्रोग्राम होवे उत्थों दे उलमा ने हालांकि साड़ा कबीर आला शहर जड़ा है तहसील है काफ़ी आबादी है वो घर घर गए कि ये गुस्ताख रसूल इत्थे आंदा पिया है जिस एदी तकरीर सुनी ओदा निकाह ये हकीकत है ये मैं कोई इन्हें गप नहीं सुना रहा ये तकरीबन 1983 की बात है उत्थे उन्हें घर घर गए कि इस बंदे की तकरीर वो जिहड़ा करावण वाला सी ना मौलाना मुआविया साहब उहदा नां सी वह आया उन्हें आख्या हज़रत ये तो पूरा शहर साडा मुखालिफ है तो बंदे बंदे नूं इन्ना पकड़ पकड़ के आख्या भई तुसां इस सड़क वाले पासे मूंह नहीं कर इतनी उन्होंने को हल्ला गुल्ला पाया जद आके दसिया परेशानी का इजहार की तो वाले साहब उरी मुस्कुरावण बह गए हसण बह गए उन्हें आख्या जी मेरा हाँ पाटदा है तुस हसते बैठे उन्हें आख्यो अल्लाह का बंदा जेड़ा काम तुए करना है वो काम तेरे मुखाले बदे करे कि जो घर घर तू दावत दे सकता है उन्होंने तू घर घर वही तो दावत दे सकता है जी मेरे मौली ने आके सुने आए वो वेख ला घर घर गए हैं इन्ने समय जेड़ा काम तुए करना है वो काम उन्हें किया अल्लाह की कसम है कि रोड के उत्ते नाल ही तकरीबन कोई एक किले का पलाट है वो भरिया गया रोड ब्लॉक हो गया दुनिया इंज मालूम हो जो सारा पाकिस्तान ही था इकट्ठा हो दुनिया इस वजह तो इकट्ठी हुई कि वह बलात विखा है जिन्हें वेखन निकाह त्रुट हो इस वास्ते अब्बा जी रहमतुल्ला अलैह फरमांदे हन मैं इतना बदनाम हाँ मैनू को जंगल च बहा छोड़े लोग आपे अल्लाह पाक भेज छोड़ेगा असल दे अंदर उन्हां दे अंदर जिहड़ी अल्लाह मिकनाती सीयत रखी आई।